كسر بينه ولا ما हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं मनोकामना मंदिर के दर्शन के लिए। अभी खाना खा के हम लोग निकलने वाले और हम लोग थोड़ा यहाँ पे व्यू देखने के लिए आए। आपको भी दिखाता हूँ क्या व्यू है वो। ये देखो, पूरा क्लीन पानी, क्लीन पानी। यहाँ पे 10 साल पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पहले मनोकामना मंदिर में, पर अभी फ़ोन नहीं था इसके लिए वीडियो बना नहीं, फ़ोटो निकला नहीं, तो अभी निकल सकता है फ़ोटो और वीडियो भी। आपको कैसा लगा व्यू कमेंट करके ज़रूर बताना, और नज़दीक जाके वीडियो बनाता हूँ एक मिनट। तो ये है पानी का फोर्स, नदी का नाम तो मालूम नहीं, पर ये है। और यहाँ पे एक रोपे देखो जा रहा है, वो रोपे, वही रोपे में हमें अभी थोड़ी देर में जाना है वहाँ पे ऊपर मनोकामना मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो अभी खाना खाने नहीं, मैं फोटोग्राफर नहीं है, तो अभी खाना खाने जाते। खाना खाने के बाद रोपवे में बैठ के ऊपर जाने का, चलो पहला खाना खा। आ गई हमारी टिकट, ये है हमारी टिकट, रिटर्न है। और यहाँ पे से जाना है सीढ़ी, हम 5 जन है यहाँ पे, जाना है ऊपर। चलो आ गए हमारे रोपे, हमारा रोपे ये है। यस यस, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाओ, पकड़ो नहीं दे तो यहाँ पहला व्यू पकड़ी जा। पत्थर होता है जाती है, तेरा मोबाइल कहाँ से आती वक्त से उड़ता है पेट में। કેટલા મિનિટમાં ઉપર જઈને જોવા જો, અહીંયા જો, હાય 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 અંકલ, આપ ભી કરો, એટલે લોકલ લોકો અહીંયા ના હોય ને એ લોકો જાય, કેદારનાથથી ભી ઊંચું છે, નહીં ને 3 કિલોમીટર તો છે ખાલી, તો ડુંગર પાર તો બધું એ લોકો મિસ્ટેક કાઢે બરાબર, ઉલટું સુલટું કેમ। और ये पहुंच गए हम लोग, हर आवे ना बात करने का। ओके फाइनली रीच के भाई ने रीच अराइव्ड रीच फाइनली रीच्ड। चलो खोलो फटाफट, फटाफट 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 फटाफट। ऊपर पहुंच गए सर, अभी मनोकामना मंदिर के दर्शन, अंदर फोटो तो अलाउड होगा ही नहीं,
और बाहर का तो हम लोग निकाल ही सकते, बाहर का दिखा सकते। इतने ऊपर डूंगर पे ये तो पूरा शहर बसा के रखा है, बिल्डिंग्स है और गेस्ट हाउस है, रहते भी होंगे यहाँ पे शायद। यही है मनोकामना मंदिर, यही है ना, रोप वे से उतरने के बाद भी थोड़ा चलना पड़ा, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, और यही है मनोकामना मंदिर। दर्शन कर लेते और फिर फोटो वगैरह खींच के नीचे जाते। ये लाइन है कि क्या है, इतना लंबा लाइन, ऐसा लग रहा है लालबाग का राजा का लाइन में लग रहा है, इतना ऊपर लाइन, शाम तक नंबर आएगा ऐसा लग रहा है, शाम तक लाइन आएगा लगता है। हाँ शाम तक नंबर पक्का है अपना। हाँ फाइनली इधर खत्म हुआ शायद। हाँ फाइनली इधर एंड हो रहा है लाइन। हाँ कितना बड़ा है लाइन, शाम तक आ जाएगा कन्फर्म। लाइन तो बहुत बड़ी थी, 7 से 8 घंटे की लाइन बोले, इसके लिए हम लोग को बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है, तो देखते हैं। जाने मिलने वाला है नहीं, इसके हम लोग बाहर से ही दर्शन करके वापस रोपवे में से नीचे जा रहे हैं। मेरा चप्पल घूम गया है शायद से, उसको ढूंढना पड़ेगा अभी। सब कबूतर लाइन में लगे। अभी रिटर्न जाने का समय आ चुका है। कान का बहुत प्रॉब्लम है, कान बंद हो जाता है, कान दुखने भी लगता है। बहुत मस्त एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी बैठ चुका हूँ पर अभी मोबाइल नहीं था, जैसे आपको पहले बोला मोबाइल नहीं था, इसके लिए फोटो वीडियो नहीं है, पर इस बार फोटो भी आएगा वीडियो भी है क्योंकि मोबाइल थोड़ी देर में हम लोग 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे, फिर पोखरा के लिए रवाना।
તું કેટલા લઈ આવ ફોટો દેખે ફોટો જાને કે ટાઈમ પે ફોટો લિયા દે ને ફોટો દેખ સકતે અભી દેખ સકતે કામ फोटो उन्होंने दिखाया पर प्राइस ज़्यादा है उनका रेट ज़्यादा है घर पे लेके जाने का वो फ्रेम बना के देते हैं रोपवे में तो कुछ ज़रूरत नहीं है हमारे पास है रोपवे के फोटो हमारा मोबाइल अच्छा है कोई बात नहीं अभी बस में बैठेंगे और पोखरा के लिए ये भाई ने भी वेज मोमोज लिए लेट्स ट्राई समथिंग न्यू या नेपाली मोमोज नेपाली मोमो और आगे जल्दी रिव्यू आप जो जल्दी पहलू टेस्ट हमारो छे टेस्ट करो अरे छोड़ो नहीं एवो नहीं टूट से कैसे सच में कि ऐसे ही बोल रहे हो वीडियो के लिए बहुत बढ़िया नेपाल में आके जरूर ट्राई करना वेज मोमो वेज नहीं हां वो गरम से चटपटा गया चल खाता खाता हाउ इज इट गुड नाइस गाइस मुंबई पैसा वसूल जरूर ट्राई करना पैसा पूरा वसूल है पैसा वसूल है कुछ न्यू वैरायटी